नवंबर 2002 में बाली शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता के लिए हथौड़ा सौंपा गया था। उस समय पीएम मोदी ने कहा था, कोविड के बाद के दौर में नई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और सक्रियता भरी होगी। एक साथ मिलकर हम G20 को वैश्विक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाएंगे। अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद से ही भारत तुरंत इसकी तैयारियों में भी लग गया था। ऐसे में जब हम G20 की अध्यक्षता के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर G20 से भारत को लाभ क्या मिलेगा। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। इस दौरान देश ने कई उपलब्धियाँ हासिल की। आज हम कई क्षेत्रों में टॉप 5 में हैं, कई में टॉप 3 तो कुछ जगहों पर टॉप पर भी हैं। इसके बावजूद भारत को विकासशील देशों में ही गिना जाता है। इसलिए G20 एक ऐसा फोरम है जहां भारत अपनी श्रेष्ठता को और बेहतर ढंग से बता सकता है। पीएम मोदी का भी लक्ष्य है कि जब देश आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा, तब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। दुनिया को बताने की जरूरत है कि भारत दुनिया की वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने समय समय पर दिखाया है कि विकसित देश उन्नत संसाधनों के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो भारत अपने सीमित संसाधनों के साथ कर लेता है। चाहे मंगलयान हो या कोविड जैसी महामारी में 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करना, या फिर चंद्रयान 3, हर मामले में भारत औरों से बेहतर है। दुनिया के बाकी देश भी अगर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे तो मानव समाज की उन्नति और पृथ्वी संरक्षण के प्रयास में तेजी लाई जा सकती है। G20 में भी भारत का उद्देश्य यही है। भारत का G20 अध्यक्षता थीम भी वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।